ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जहां वो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखते हैं, वहीं अपने एक्ट्स के माध्यम से भी वो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज का वीडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है। आज जहां मनुष्य ये तो जानता है कि मैं इन पांच तत्वों से बना हूं, फाइव बेसिक एलिमेंट्स, लेकिन वो ये भूल गया है कि मैं इन पांच तत्वों से दूर जाता जा रहा हूं और इन पांच तत्वों से दूर जाना उन्हें बीमारियों की ओर धकेल रहा है। आज जहां हम धरती के कॉन्टैक्ट में ही नहीं रह गए, पहली चीज़ तो हम वैसे ही किसी किसी फ्लोर पर रह रहे हैं, यानी धरती पर रह ही नहीं रहा मनुष्य, और उसके बाद हम घर पर भी जो हमारी परंपरा थी कि किचन में जाएं तो हम जूता पहन कर ना जाएं, हम धरती को स्पर्श करें, धरती के टच में रहें, हम सुबह वॉक पर जाएँ तो हम हरी हरी घास पर चलें, ये सब चीज़ें हमसे दूर होती जा रही हैं। और यही कारण है कि मनुष्य के जीवन में बीमारियाँ और कुंठाएँ, यानी सिर्फ नॉट ओनली फिजिकल एलिमेंट्स बट ऑल्सो मेंटल प्रॉब्लम्स, वो भी समस्याएं बढ़ रही हैं। छोटे छोटे से उदाहरण मैं आपको यहां दूंगी कि हम सब जानते हैं नेचुरोपैथी में मड थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। खासतौर पर योग में हम कैसे हवा के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से, प्राणायाम, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ब्रीदिंग के माध्यम से हम अपने आप को हील करते हैं। वाटर थेरेपी से सभी लोग जानते हैं कि वाटर थेरेपी हमारे लिए कितनी कारगर है। अगर आपकी आँखें स्वस्थ नहीं हैं, आपका विजन कमज़ोर है, तो आप सुबह सुबह हरी हरी घास पर जिस पर ओस पड़ी हुई है उस पर नंगे पैर चलें तो आप देखेंगे आपकी आँखें स्वस्थ होने लगेंगी। ख़ासतौर पर ये कहा जाता है जहाँ पर कि इवन ABP न्यूज़ के माध्यम से हमने ये संदेश कई बार दिया कि आप जब दफ्तर में पूरा दिन बैठ करके काम कर रहे हैं तो बीच बीच में अपनी स्क्रीन को पर से अपनी आँखों को हटाइए और दूर हरी हरी घास को अगर हम देखते हैं और आँखों को ब्लिंक करते हैं तो वो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से जितनी भी हमारे ये फाइव एलिमेंट्स हैं उनके टच में जितना हम रहते हैं, हमें अलग से थेरेपीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मिट्टी के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, वायु के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, जल के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, अग्नि के साथ थोड़ा समय बिता रहे हैं, ये हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और साथ में मन को भी स्वस्थ रखता है। जितना हम मशीन्स के साथ टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं उतना हम एक मशीनी युग की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सब मशीन ही बनते जा रहे हैं, शरीर के स्तर पर भी और भावनाओं के स्तर पर भी। और इसीलिए हमारे खास कार्यक्रम 2 मिनट में योग पर रोज आप ये सुनते हैं कि प्रकृति के साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए। और उसका एक जीवंत उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के वीडियो के माध्यम से आपने देखा। मैं ऐसा समझती हूँ, मुझे वो वीडियो देखकर बहुत प्रेरणा मिली है और मैं ऐसा मानती हूँ कि सभी दर्शक जिन्होंने भी वो वीडियो देखी है उनके जीवन में एक प्रेरणा ज़रूर जगी होगी कि आइए अपने बंद कमरों से थोड़ा बाहर निकलते हैं, मशीन से थोड़ा बाहर निकलते हैं, खुली हवा में जाते हैं और थोड़ा समय परमात्मा की इस खूबसूरत प्रकृति के साथ ज़रूर बिताते हैं। तभी हम योगी भी बनेंगे, उपयोगी भी बनेंगे, सहयोगी भी बनेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहेंगे।